क्या हुआ जब बाढ़ में फंसे अपने भक्त जान बचाने खुद नाग देवता को आना पड़ा, और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको पायल ठाकुर के साथ हुए महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाल घाटी के एक छोटे से गांव की रहने वाली पायल ठाकुर की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की एक सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे स्वयं नाग देवता ने बाढ़ के दौरान उनके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों पायल ठाकुर जी हमें बताती हैं कि वे भगवान शिव को दिल से मानती हैं और निस्वार्थ ही उनकी पूजा पाठ भी करती हैं। वो कहती हैं, शायद मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उस दिन मुझे मौत के मुंह से बचाया था, इसीलिए तो आज भी कहते हैं, कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोए। और इस बात में आज भी कोई दोराहे नहीं है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो अवश्य ही भगवान उसकी मुरादे उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर कैसे स्वयं नाग देवता ने बाढ़ से निकालकर पायल ठाकुर के प्राणों की रक्षा की। दोस्तों बाल घाटी के छोटे से गांव की रहने वाली पायल ठाकुर जी महादेव भगवान शिव की एक अनन्य भक्त थी। वह रोज सुबह भोलेनाथ जी को दूध अर्पण किया करती थी, उसके बाद भी वह अपने दिनचर्या के कामों को किया करती थी। गांव वाले भी पायल की भक्ति को देखकर बहुत खुश रहते थे। बात उस समय की है जब एक बार बाल घाटी का मौसम बहुत खराब हो गया था, सुबह से ही बारिश हो रही थी। पायल जी बताती हैं कि वह बारिश में भी भोलेनाथ जी को दूध अर्पण करने चली जाती हैं। घर वालों के बहुत समझाने पर भी पायल नहीं मानती और शिव मंदिर चली जाती हैं। पायल जी बताती हैं कि शायद महादेव जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी और तेज बारिश में भी मंदिर की तरफ निकल गई। जैसे ही पायल आधे रास्ते पहुंची कि अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, मानो जैसे बादल फटने वाले हैं। ऐसी प्राकृतिक घटना को देखने के बाद पायल जी महादेव का नाम लेते हुए शिव मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह 500 मीटर आगे बढ़ी तो पायल ने देखा कि नदी में तेज पानी की लहरें उत्पन्न हो रही हैं, जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन पायल जी फिर भी नहीं रुकी और महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं। तभी पानी की एक लहर पायल से टकराती है और जिससे पायल नदी में डूबने लगती है। एक पल को पायल को लगता है जैसे ये उसका आखिरी समय आ चुका है, लेकिन पायल अपने परिवार को याद न करते हुए केवल महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगती है। पानी में सांस न लेने की वजह से पायल बेहोश हो जाती है और तभी पायल को एक ऐसा सपना दिखता है जिसे देखकर वह रोने लगती है, क्योंकि वह उस समय साक्षात महादेव के सामने खड़ी थी। महादेव उससे पूछते हैं, प्रिय भक्त, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है फिर भी तुम्हारे मुख पर केवल मेरा ही नाम क्यों था? तो पायल कहती है, महादेव मैंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ आपको ही पूजा है। मैं जानती थी कि अपने जीवन में अगर मैं श्रद्धा भाव से यही पूजा करती रहूंगी तो आप एक ना एक दिन अवश्य ही मुझे दर्शन जरूर देंगे और मेरा जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। महादेव मंद मंद मुस्काते हैं और पायल से कहते हैं कि जब मृत्यु नजदीक होती है तो बड़े से बड़ा भक्त भी अपने परिवार को याद करता है, उस माँ को याद करता है जिसने उसे बचपन से पाला हो। लेकिन तुम्हें देखकर आज मुझे यकीन हो गया, मुझसे भी बड़ा अगर कोई है तो वो सिर्फ मेरा भक्त है। और तभी महादेव अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं, तथास्तु। तभी अचानक पायल की आंखें खुलती हैं और पायल देखती है कि उसके नजदीक से ही एक बहुत बड़ा सांप घुस रहा है। वो अपने आप को भगवान शिव के मंदिर में पाती है, जहां नजदीक ही 11 फुट लंबा एक नाग शिवलिंग के पास खड़ा था और पायल उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है। लेकिन वह पल भर में ही समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं नाग देवता है, जिन्होंने नदी में डूबने से उनके प्राणों की रक्षा की है। और
क्षण भर में ही वह नाग वहां से गायब हो जाता है और पायल समझ जाती है ये किसी और का नहीं बल्कि साक्षात महादेव का ही चमत्कार है। पायल ने यह सारी घटना अपने घर वालों को बताई लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबने एक भ्रम ही समझकर उसकी बातों को टाल दिया लेकिन पायल जानती थी उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नाग देवता के रूप में स्वयं महादेव भगवान शिव थे। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या पायल की बातें एक वहम थी या फिर महादेव का कोई चमत्कार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।